Assalamualaikum. This is Dr. Mohammad Naveed Jafar, second year mathematics chapter number 4. आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं होमोजीनियस इक्वेशन से. सो क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन, किस तरह से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं इसकी डिस्कशन. जी तो यहाँ हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो हमारी है होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स. बहुत ही इंटरेस्टिंग ये इक्वेशंस होती हैं सेकंड डिग्री की. जो होमोजेनियस इक्वेशन होती है इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और ये सारी इक्वेशंस किस तरह से बनती हैं, इसमें जॉइंट इक्वेशन का क्या किरदार है, ये सारी बातें लेके आपके सामने अभी इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सबसे पहले आप देखिएगा, वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इफ द ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन देन इट इज द इक्वेशन इज लीनियर इक्वेशन एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट. अगर ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है आपके पास तो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की जो इक्वेशन बनती है वो ऑलवेज क्या होती है, लीनियर इक्वेशन ही होती है इन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई. कन्वर्सली द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई इज अ स्ट्रेट लाइन. ये टू वे प्रोसेस है कि अगर इफ एंड ऑनली इफ कंडीशन है कि अगर ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो उससे बनने वाली इक्वेशन लीनियर है, और अगर इक्वेशन लीनियर है तो उससे बनने वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन है. ये टू वे आपका प्रोसेस है. सो अब हम यहां पे क्या करने जा रहे हैं, सपोज वी हैव टू स्ट्रेट लाइंस. फर्ज करें मैं कहता हूं मेरे पास दो स्ट्रेट लाइंस हैं, एक है ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इज इक्वल टू जीरो, दूसरी है ए टू एक्स बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो. ये मैंने कोई दो स्ट्रेट लाइंस का जिक्र कर दिया यहां पे. अब देखें मैं आपको बेसिकली क्या दिखाना चाहता हूं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इससे ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन बनती है दो लीनियर इक्वेशंस के मर्जर से, उसके ऊपर चूंकि हमने डिस्कशन करनी है, हमने पर तो पूरे चैप्टर के अंदर लीनियर इक्वेशन रहे ना, तो फिर आप सोचेंगे अचानक से कि लीनियर से अचानक ये क्वाड्रेटिक कहां से आ गई, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन कहां से आ गई. वो यहां से आई कि हम अब दो लीनियर का एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे और उन दो लीनियर के कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे इस लास्ट एक्सरसाइज के अंदर. सो मैंने क्या किया, इन ऊपर वाली दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास ये सीन आ गया कि ये पहली इक्वेशन जो थी वो इधर आ गई, ये दूसरी इक्वेशन जो थी वो मेरे पास इधर आ गई. दोनों इक्वेशंस की एक मल्टीप्लीकेशन करके एक थर्ड इक्वेशन यहां से बना ली. इट इज सेकंड डिग्री इक्वेशंस इन एक्स एंड वाई. अब ये हमारे पास एक सेकंड डिग्री इक्वेशन बनी है एक्स और वाई के अंदर. जरूरी है ये देखना कि ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन बनी है ये क्या बनी है. सो मैं अगर इस सेकेंड डिग्री इक्वेशन के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इक्वेशन थ्री is called the joint equation. अब देखें ना, आपने यहां पे joint equation बना दिया है, join किया है दो linear equations को, join करके एक तीसरी equation बनाई है जिसको quadratic कह रहे हैं हम. so ये joint equation कहलाती है of the pair of lines 1 and 2. वो जो ऊपर pair of line हमने a1x plus b1y plus c1 is equals to 0, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन बनाई है एक्चुअली उसको हम जॉइंट इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 कह रहे हैं. ऑन द अदर हैंड द गिवन इक्वेशन ऑफ द सेकंड डिग्री एक्स एंड वाई से. अब देखिए, एक ये सेकंड डिग्री इक्वेशन है, एक हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन जो जनरल फॉर्म में होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. ये एक सेकेंड डिग्री जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, बट कब, अगर ए यहां पे जीरो ना हो तो मैंने ये कह दिया वेयर ए डज नॉट इक्वल टू जीरो. अगर ए जीरो नहीं है, रिप्रेजेंटेड द इक्वेशंस ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस इफ द फोर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स. अगर इसके दो लीनियर फैक्टर्स बनाए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर जाती है. अगर इसके दो लीनियर फैक्टर्स बन जाएं तो इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी द स्पेशल जॉइंट इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन. अब देखिए, जब आप कोई भी लाइन के ओरिजिन से पास करने की बात करते हैं ना, तो याद रखिए
उस लाइन की इक्वेशन के अंदर कोई सिंपल कांस्टेंट प्लस या माइनस में आपको नजर नहीं आता। आप जब भी लेट्स से दैट मैं ये बात कर रहा हूं कि दो कोई लाइंस हैं, यहां क्या डिस्कशन हो रही है, यहां ये डिस्कशन हो रही है, कोई सी दो लाइंस हैं, मैंने कहा कि एक लाइन ओरिजिन में से पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना के ताकि आपको पता हो ये ओरिजिन में से पास करने वाली लाइन की बात हो रही है। ये देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि एक ये लाइन, ये आपके पास वाई एक्सिस है, यहां पे आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो ये आपके पास एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर जो डिस्कशन हमारी हो रही है वो क्या है उसकी बात बताता हुआ चलता हूं। ये एक्स है, ये वाई है और ये ओरिजिन है। मैं ये कह रहा हूं कि दो आपके पास कोई स्ट्रेट लाइंस हैं जो ओरिजिन में से पास कर रही हैं। लेट्स से दैट हम ऐसे कर देते हैं, एक ये कोई स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है, एक थोड़ा सा इससे वेरी कर लेते हैं और डिफरेंट कर लेते हैं। लेट्स मैंने ये कहा कि दूसरी ये स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन में से पास कर रही है। अब देखें ये जो दो स्ट्रेट लाइन ओरिजिन में से पास कर रही है ना, अब हमने वो जो स्पेशल टाइप ऑफ इक्वेशन का जिक्र किया है वो इन दोनों की प्रोडक्ट का किया है। मैंने इन दोनों की प्रोडक्ट करनी है, मैं क्यों ना ये करूं कि लेट कर लेता हूं, लेट कर लेता हूं वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स। अब ये बात एक जस्टिफाई करना चाहता हूं मैं यहां पे, यहां पे ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है ना वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली, इसमें मैंने सी क्यों नहीं लिया, सी इसलिए नहीं लिया कि सी एक वाई इंटरसेप्ट, इस वक्त वाई इंटरसेप्ट जीरो है, तो लिहाजा कोई भी लाइन ओरिजिन में से पास कर जाती है जब उसमें कोई भी प्लस या माइनस में सिंगल कॉन्स्टेंट अवेलेबल ना हो। मैंने ये कह दिया लेट वाई इज इक्वल टू एम वन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एम टू एक्स। ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं एम टू एक्स, बी टू लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बी टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। ले जी, दो लाइंस जो ओरिजिन में से पास करती हैं। अब क्या होगा, अब मैं ये करता हूं कि देयर जॉइंट इक्वेशन विल बी, सो देयर जॉइंट इक्वेशन, अब देखिएगा इनकी जो यहां से जॉइंट इक्वेशन आ जाएगी वो मैं लिख रहा हूं, इनकी जो जॉइंट इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी, वो देखिएगा, वो बन जाएगी y माइनस एम वन एक्स इंटू वाई माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया y माइनस एम वन एक्स वाई माइनस एम टू एक्स, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म बन गई कि आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एम टू एक्स वाई माइनस एम वन एक्स वाई प्लस एम वन एम टू और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास ये क्या आ गया, वाई स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें और एक्स वाई, तो ये आ जाएगा एम वन प्लस एम टू एक्स वाई और प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये जो यहां पे एक इक्वेशन हमने बना ली वो फोर तक का हमने जिक्र कर लिया ऊपर, ये इक्वेशन नंबर हम फाइव कह देते हैं। तो ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन फाइव इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन। सो जो यहां पे आपके पास ये इक्वेशन फाइव आ रही है, ये इक्वेशन फाइव जो है इज अ स्पेशल, ये आपके पास एक स्पेशल इक्वेशन है टाइप ऑफ सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन।
ये आपके पास एक स्पेशल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि हमारा जो ताल्लुक है वो बेसिकली किसके साथ है, हमारा जो ताल्लुक है वो बेसिकली बनता है इसके साथ, जो हमारे पास मौजूद है एक्चुअली वो बन रहा है होमोजीनियस इक्वेशंस का। सो होमोजीनियस इक्वेशंस को हमने स्टडी करना है यहाँ पे। मैं अगर होमोजीनियस इक्वेशन की बात करता चलूं, सो यहाँ पे आप देखिएगा होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। अब क्या होती है होमोजीनियस इक्वेशन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ये, जो ऊपर आपने एक स्पेशल टाइप ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ी है ये भी उसी से मुनासबत रखती हुई एक बात है, लेकिन ये जनरल होमोजीनियस इक्वेशन की बात करेंगे, वो एक स्पेसिफिक होमोजीनियस इक्वेशन है। मैं ये कहता हूं कि लेट एफ ऑफ एक्स वाई, चूंकि इसमें दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व है, तो ये एक आपका एक्सप्लिसिट नहीं बल्कि इम्प्लिसिट फंक्शन की शक्ल दे रहा है। सो मैंने कहा लेट एफ ऑफ एक्स वाई, ये जो आपने यहां पे सपोजिशन की एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, इसको इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दे, बी एनी इक्वेशन इन द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, कोई एक इक्वेशन है जो वेरिएबल एक्स और वाई के अंदर मौजूद है, इक्वेशन वन इज कॉल्ड द होमोजीनियस इक्वेशन। इक्वेशन वन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे अगर, और डिग्री एन की होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे, और एन एक पॉजिटिव इंटीजर होगा अगर, अगर ऐसा हो जाए कि हम इस एक्स को रिप्लेस कर दें एक्स बाय के एक्स और वाई बाय के वाई, इनसे रिप्लेस कर दें, तो देखिए हमने के एक्स के वाई कर दिया। अब ये होमोजीनियस कब कहलाएगी, ये होमोजीनियस उस सूरत में कहलाएगी कि अगर इसमें से के रेज टू पावर एन कॉमन आ जाए, यानी कि सेम डिग्री का आपके पास अगर के कॉमन आ जाए, तो देन रिमेनिंग में वही ओरिजिनल फंक्शन बचे जो पहले था, लेट्स से दैट एफ ऑफ एक्स वाई, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री एन की, लिहाजा दैट इज होमोजीनियस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या इसमें तो जनरल बात हो रही है कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री एन की, इसकी रिप्रेजेंटेशन है, लिहाजा ये होमोजीनियस इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। अब उसमें हमने कहा कि फॉर सम रियल नंबर के, कोई रियल नंबर इसके अंदर के मौजूद है, ये जो के हमने कहा है ये टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, माइनस में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सो ये एक रियल नंबर यहाँ पे आप इसको प्लॉट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इक्वेशन फाइव, जो आपके पास ऊपर इक्वेशन नंबर फाइव थी, अबव, इफ वी रिप्लेस एक्स एंड वाई बाय के एक्स एंड के वाई रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट वी हैव, आप देखें वो इक्वेशन अगर आपको याद हो तो वो इक्वेशन थी कुछ इस तरह से कि वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई और प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये देखें आप खुद सोचें कि अगर इस y को ky से रिप्लेस कर दिया जाए, इस x को kx से रिप्लेस कर दिया जाए, ये जो हमारे पास यहां पे आ रहा है, तो फिर देखें और यहां पे ये क्या बन जाएगा k स्क्वायर y स्क्वायर। यहां पे देखें जब x की जगह पे kx लिखा जाएगा और y की जगह पे ky लिखा जाएगा तो k डबल हो जाएगा, यानी कि k इंटू k, वो k स्क्वायर हो गया, के स्क्वायर होके ये आ गया बाहर, बाकी तो वही आपका m1 वन प्लस एम टू इंटू एक्स वाई। उसके बाद जब अगर यहां पे के स्क्वायर कैसे आया, यहां पे के स्क्वायर ऐसे आ गया कि ये जो सिचुएशन बनी वो कुछ इस टाइप की बन गई कि आपके पास m1 वन एम टू एक्स स्क्वायर में k एक्स पुट किया तो वो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, तो वो के स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आप खुद सोचे इन तीनों में से ये के स्क्वायर, ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर अगर कॉमन ले लिया जाए, तो अब देखें ये के स्क्वायर कॉमन आने के बाद ओरिजिनल वही इक्वेशन बच गई जो पहले थी, ओरिजिनल वही इक्वेशन, सो दैट इज के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो। लिहाजा आपके पास के स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो आ गया। अब आपने अभी ऊपर कहा कि ये डिग्री एन की इक्वेशन होगी, अब अगर ये डिग्री एन की इक्वेशन बनेगी तो यहां किस डिग्री का के कॉमन आया है, टू डिग्री का, यानी कि उसमें उसकी जो पावर है उसका जो एक्सपोनेंट है वो टू आ गया। सो अगर टू डिग्री का वो कॉमन आया है तो इससे मुराद ये बनी कि टू डिग्री कॉमन आने की बेस पे
इसकी होमोजीनियस इक्वेशन है डिग्री टू की, लिहाजा ये आपने यहां पे बात मेंशन करते हुए कह दिया कि 10-5 इज अ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री टू। अब ये सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आपने बना दी है यहां पर। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि यहां से फिर याद रखिए कि जो जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन होती है ना, वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये आपके पास जनरल सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्रोवाइड ए एच एंड बी आर नॉट साइमल्टेनियसली जीरो। ये जो है वो साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होने चाहिए। अब यहां इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करता हुआ आगे चलता हूं कि ये जो बात की जा रही है कि ये जीरो नहीं होने चाहिए, क्या मतलब है इन बातों का, क्या प्रोसीजर है इन बातों का और क्या कहा जा रहा है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। सो देखिए, मैं अगर इनको जीरो रख लेता हूं फिर तो ऑब्वियस ही बात है जीरो रखने से मेरे पास वो तो टर्म जब वहां पर खत्म हो जाएगी तो फिर तो वो सीन ही नहीं बनेगा। अब मैं इसको अगर दिखाना चाहूं कि ये होमोजीनियस, ये हमने कह दिया जनरल सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, लेकिन अगर हम इसको टेक्निकली प्रूव भी करना चाहें कि ये जनरल होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन कैसे है, तो आप जरा देखें कि अगर आपके पास तो पड़ा हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। यहां से अगर हम रिप्लेस कर लें x को बाय के एक्स और y को बाय के वाई, तो हमारे पास जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी बनने जा रही है। हमारे पास ये बन जाएगा a इंटू के एक्स स्क्वायर प्लस टू एच के एक्स के वाई, और ये आपके पास क्या आ जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर बी के साथ इज इक्वल्स टू जीरो, ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एच के स्क्वायर एक्स वाई प्लस बी के स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये प्रोसीजर करने के बाद मेरे पास जो सीन बच रहा है वो कुछ ये बच रहा है कि यहां से अगर मैं के स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो देखिएगा के स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। और अगर इसको मैं कह रहा हूं के स्क्वायर और ये हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू जीरो है, तो विच इंप्लाइज दैट एफ ऑफ एक्स वाई जो आपके पास आ रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, ये क्या बन गया, ये बन गया इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। पहले मैं इसको ये लिख देता हूं कि ये होमोजीनियस इक्वेशन डिक्लेयर हो गई यहां तक, होमोजीनियस इक्वेशन विद डिग्री टू, डिग्री टू के साथ ये होमोजीनियस इक्वेशन बन गई है। लिहाजा इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि याद रखें अगर प्लस या माइनस के अंदर कोई भी कांस्टेंट किसी भी टर्म में ना आए तो वो आपके पास जो है वो ओरिजिन में से पास करती है। फिर अगर थ्रू आउट द इक्वेशन डिग्री सेम हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है। एक लास्ट एग्जांपल इसकी देखे मैं ताकि फर्क का भी पता चल जाए, बड़ी सादा सी एग्जांपल, लेट्स से दैट मैं कहता हूं 2x plus 3y is equals to 3 और 2x plus 3y is equals to 0। अब आपने ये गौर करना है कि ये दोनों सेम इक्वेशंस हैं, लेकिन इधर मैंने 0 लिख दिया इधर मैंने 3 लिख दिया, तो इतना बताता चलूं कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस है और ये जो इक्वेशन है ये नॉन होमोजीनियस है। अब देखें डिग्री आप कहेंगे उसका भी 1-1 है इसका भी 1-1 है तो क्यों नहीं है होमोजीनियस, लेकिन थ्रू आउट द वर्ड जो मैं यूज करता हूं ना थ्रू आउट द इक्वेशन डिग्री सेम होनी चाहिए। तो इसमें थ्रू आउट द इक्वेशन यहां पे आप एक्स रेज टू पावर 0 आप एक्स रेज टू पावर 1 लगा के भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, y रेज टू पावर 1 लगा के भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं,
बट यहां सिचुएशन क्या है, आप अगर थ्री के साथ यूज कर सकते हैं तो सिर्फ एक्स रेज टू पावर जीरो, इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन नहीं ले सकते वन। तो यहां डिग्री जीरो थी या वन थी तो डिग्री चेंज होगी, बट यहां डिग्री सेम रहती है। इसलिए ऐसी इक्वेशन जिसमें थ्रू आउट द इक्वेशन डिग्री सेम होती है, ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस इक्वेशन कहते हैं। और अगर वो लीनियर है तो वो लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है, और अगर वो क्वाड्रेटिक है तो वो क्वाड्रेटिक होमोजीनियस इक्वेशन है। जी, तो देखा आपने किस तरह से हमने इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को देखा और इसको ओवरऑल ऑब्जर्व किया। ये था आज का लेक्चर। होप सो यू अंडरस्टैंड द टुडेज लेक्चर। दिस इज एंड ऑफ आवर लेक्चर।